तो फाइनली हम लोग को मिल गया दो यहाँ पे, तो लॉलीपॉप भी मिल रहा है गाइस यहाँ. थैंक यू. नो आई एम नॉट इंडियन, आई एम नेपलीज. एक्चुअली दिस ब्लॉग इज फॉर हिंदी. तो गाइस हम लोग को मिल गया दो लॉलीपॉप यहाँ पे, तो आगे निकल रहे हैं गाइस. तो गाइस हम लोग अभी अभी दूसरा वाला डिस्टिनेशन पे चल रहे हैं गाइस. जितने भी हमारा झंडे वाला ग्रुप है यहीं पे हम लोग हैं. हमारा गुरुंग भैया यहीं है और साइड पे नेपाल फ्लैग ऑफ नेपाल, तो आगे भी आप देख सकते हैं गाइस. तो तकरीबन वही टोटल 22% ऑफ टुडेज राइड हैज़ बीन कम्प्लीटेड. तो अगला वाला हमारा डेस्टिनेशन वही तकरीबन 12 किलोमीटर में पड़ने वाला है गाइस. तो हम लोग जो गांवों का बीचों बीच वाला रोड से चल रहे हैं. तो गाइस हम लोग जो राम ग्राम है, वो राम ग्राम का जो स्तूपा है वो स्तूपा कंप्लीट करके आगे निकल रहे हैं गाइस. तो यही बाजू पे सारू भैया को देखने को मिलता है. तो यहाँ से करीब करीब वही 18 किलोमीटर राइड करने के बाद गाइस हम लोग दूसरा वाला स्टॉप पे पहुँचेंगे. तो गाइस यहीं सामने पे दिखने में तो घंटाघर जैसा लग रहा है गाइस, तो जगह का तो पता नहीं. तो भी हम लोग आगे निकल रहे हैं गाइस. नवलप्रासी बोलते हैं नेपाल का नवलप्रासी, जहाँ बुद्ध भगवान का जो अस्थि था वही समाधि का जो एक हिस्सा वहीं पे रखा हुआ था गाइस. वही हम लोग विजिट करके अभी हम दूसरा वाला एरिया पे निकल रहे हैं. यहाँ पे वही भगवान गौतम बुद्ध का जो स्तूपा है, जो बहुत सारे लिखा हुआ बाणी है, वो लिखा हुआ सब चीज़ यहीं पे देखने को मिलता है. दिखने में पूरा वॉच टावर जैसा लग रहा है गाइस. तो हम लोग आगे निकल रहे हैं गाइस. तो देखिए, तो यहीं से हम लोग चल रहे हैं दूसरा वाला एरिया पे आगे. देखते रहना. तो यहाँ पे फूल की दुकानें जो आदमी लोग लेके चल रहे हैं गाइस, हम लोग आगे निकल रहे हैं. तो हम और हमारा गुरुंग भैया यहीं पे सामने पीछे पे देखने को मिलता है गुरुंग भैया को, यहीं बाजू पे ही गाइस. दिखते रहना, आगे वाला भी आपको दिखाएंगे गाइस. आगे वाला जितना भी है देखते रहना. ये एरिया पे सब चीज़. तो गाइस पूरा गांव का पूरा बीचों बीच हम चल रहे हैं गाइस. यहीं पे बहुत बहुत ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलता है गाइस. यहाँ बहुत ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम तो इतना ज़्यादा ठंड है गाइस कि बात ही मत करिए. यहाँ का जितना भी आबादी है वो देहाती वाला आबादी है गाइस, तराई वाला एरिया यहीं पे टैटर चल रहे हैं गाइस. तो गाइस निकल रहे हैं. तो गाइस ये जो हाथी वाथी आप देख रहे हैं, ये सब जितने भी यहाँ का जो आबादी है वो आबादी का जो मनकामना है, इच्छा है, जो पूरा हो जाती है गाइस, उसी के जो बदले में यहाँ पे हाथी बनाया जाता है गाइस. यहीं पे ये एक शक्तिपीठ है गाइस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे.
ये सब एरिया, ये सब शक्तिपीठ का नाम से जाना पहचाना वाला एरिया है गाइस। तो जिसका भी इच्छा है जो पूरा हो जाती है, वही पूरा होने के बाद यहाँ पे जो हाथी आप देख रहे हैं उसी का कंस्ट्रक्शन होता है गाइस। तो फाइनली गाइस जो ग्रेवल वाला रोड था वो कंप्लीट करके हम थोड़ा बहुत सुकून मिला है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गुरुंग भैया ये स्टंटबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो गाइस हम लोग अब दूसरा डेस्टिनेशन पहुँचने वाले हैं गाइस, यहीं पे थोड़ा आगे आपको दिखाएंगे। ये भी भगवान गौतम बुद्ध का मावली बोलते हैं गाइस, यहाँ पे जो भगवान गौतम बुद्ध के माँ है, वो माँ का मतलब भैया का घर, मतलब मामा जी का घर। यहाँ पे साइड पे ही एक बिल्डिंग बना हुआ है गाइस, यहाँ पे ये क्या का बिल्डिंग है पता नहीं, यहाँ लुम्बिनी विकास कोष का भवन। और यहीं साइड पे पहुँचने वाले हैं गाइस, ये आ गए यहाँ पे, यही साइड पे देखिए, यही है भगवान गौतम बुद्ध का मावली। तो यहाँ का भी थोड़ा क्या है इंफॉर्मेशन आपको दिखाएंगे गाइस, कैसा है क्या है। थोड़ा साइकिल को पार्क करेंगे यहीं साइड पे। तो गाइस यहीं पे बुद्ध मावली बोलते हैं, यहीं पे पूरा हमारा जितना भी साइक्लिस्ट है वो साइक्लिस्ट का पूरा खाना पीना यहीं चल रहा है गाइस। तो यहाँ पे हमारा भैया लोग मनीष भैया सामने देखने को मिलता है, विनोद भैया, विनोद भैया कहाँ गायब हुए थे भैया, पुष्कर को ले गए थे। तो हमारा जितने भी साइक्लिस्ट है यहीं पे थोड़ा वो नाश्ता का टाइम हो गया है गाइस, देखिए पूरा यहाँ मोर देन 250 राइडर्स आर हियर, ऑल राइडर्स आर हियर। और आगे वाला थोड़ा आपको मंदिर भी दिखाएंगे। हार्दिक न्यानो स्वागत करना चाहन्छु, म यो हामीसँग लुम्बिनी विकास कोष तो गाइस ये जो मायादेवी माइती मंदिर बोलते हैं, जो बुद्ध भगवान का मावली यहीं पे पड़ा हुआ है गाइस। यहाँ बहुत सारे जो बुद्ध का जितने भी मतलब वो एविडेंस यहीं पे देखने को मिलता है, ये सब यही एरिया है। अभी जो इधर वाला साइड में जितना भी मतलब वो रिसर्च वाला इन्वेस्टिगेशन वाला वर्क वो चल रहा है गाइस। तो यहीं पे आप देख सकते हैं बहुत सालों साल पुराना वाला मंदिर यहाँ देखने को मिलता है यहीं पे, और यहाँ भी है गाइस। ये सब जितना भी एरिया है ये एरिया सब बुद्ध मावली का एरिया बोलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग जो बुद्ध का मावली है वो बुद्ध का मावली यहाँ घूमने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ नाश्ता भी हो गया गाइस, ये घूमने के बाद अब सीधा हम लोग पहुँचेंगे सुदोधन जहाँ पे वो फूफू का घर भी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग पूछेंगे, वहीं जाएंगे गाइस, देखेंगे आपको। यही है मेन यहाँ का एविडेंस प्रूफ बुद्ध का जो मावली बोलते हैं गाइस। सब साइक्लिस्ट सब यहाँ से निकल रहे हैं, निकलने वाले बहुत सारी जगह से आए हैं।